हेलो गाइस, हम देखेंगे कि आज की किस तरह कैफीन हमारी बॉडी पर एक्ट करता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कैफीन ये शब्द जर्मनी काफीन शब्द से आया है, जो लगभग 1830 के दौरान आया था। 1819 में जब फ्रिडल फर्डिनेंड रंज ने जर्मनी में एक कंपाउंड को अलग किया और इसका नाम रखा गया कैफीन। हालांकि कुछ सोर्सेस में उल्लेख किया गया है कि कैफीन आधारित पौधों की खोज पॉलियोलिथिक काल में लगभग 7 लाख साल BC मतलब बिफोर क्राइस्ट में की गई थी और उनका उपयोग औषधियों के लिए किया जाता था। अब हम देखेंगे कि कैफीन काम किस तरह करता है। कैफीन जो है वो मिथिल ज़ैंथिन क्लास में आता है अकॉर्डिंग टू फार्माकोलॉजी। जब हम कैफीन कंज्यूम करते हैं तब कैफीन तीन तरह से हमारी बॉडी पे एक्ट करता है। एक है रिलीज ऑफ कैल्शियम फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेकंड है इनहिबिशन ऑफ फॉस्फोडाइस्ट्रेस एंजाइम और थर्ड है ब्लॉकेड ऑफ एडेनोसिन रिसेप्टर्स। सो रिलीज ऑफ कैल्शियम फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता क्या है कि ज़्यादा कैल्शियम रिलीज होने से बॉडी में मसल्स ओवर एक्टिव हो जाते हैं, स्पेशली कार्डियक मसल्स और स्केलेटल मसल्स। इनहिबिशन ऑफ फॉस्फोडाइस्ट्रेस एंजाइम से होता क्या है कि हमारे ब्रोंकस डायलेट होते हैं, कार्डियक स्टिमुलेशन होता है और ब्लड वेसल्स तक डायलेट हो जाती है। ब्लॉकेड ऑफ एडेनोसिन रिसेप्टर्स, इस ब्लॉकेज से होता क्या है कि इससे अलग अलग तरह के इफ़ेक्ट्स जैसे सेरेब्रल आर्टरी डायलेशन होना, गैस्ट्रिक सिक्रेशन कम होना, इस तरह के इफ़ेक्ट्स बॉडी पर आते हैं। कैफीन ज़्यादातर नेचुरल टी, कॉफ़ी, सॉफ्ट ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स में पाया जाता है और कैफीन के कई मेडिसिनल उपयोग भी है किए जाते हैं, फॉर एग्जांपल कफ सिरप्स के लिए। थैंक यू गाइस।